पुलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुहिम चलाई गई, जिसमें अजनी पुलिस थाना हद के राहट नगर परिसर में छापा मारकर शराबबंदी कानून के तहत 31,650 रुपए कीमत का मुद्देमाल जब्त किया गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा मिली जानकारी के आधार पर पुष्पा अशोक प्रसाद रामटेक, उम्र 45 साल, राहट नगर टोली गली, इसके निवासी घर में पुलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के संयुक्त विद्यमान से छापा डाला गया। इस छापामार कार्रवाई में शराबबंदी के तहत हाथ भट्टी शराब के लिए लगने वाला काला गुड़ 420 किलो, 45 किलो नवसागर, अन्य वस्तुएं ऐसा 31,450 कीमत के साहित्य जब्त किया गया। साथ ही पुष्पा अशोक प्रसाद पर शराबबंदी कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई। यह कार्रवाई राज्य उत्पादन शुल्क के प्रमोद सोनू ने परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त निर्मला देवी, सहायक पुलिस आयुक्त डॉक्टर विजय मराठे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष खांडेकर इनके मार्गदर्शन में निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क राव साहेब कोरे व पुलिस उप निरीक्षक नरहरी त्रंबक फड़ इन्होंने की है। इस कार्रवाई में महिला कांस्टेबल सोनाली खांडेकर व पुलिस विभाग के भगवती ठाकुर, देवेंद्र नवघरे और अन्य स्टाफ भी सहभागी था। काल पोलीस नियंत्रण कक्षातनं अजनी पोलीस स्टेशनकडे आलेल्या संदेशानुसार अजनी पोलीस स्टेशन आणि राज्य उत्पादन शुल्क यांनी टोली गल्ली येथे संयुक्त मोहीम राबवली। यामध्ये एका महिलेच्या घरी दारूबंदी गुन्ह्यातील दारू निर्माण करण्याचं साहित्य मिळून आलं, त्यामध्ये 500 किलो काळा गुळ, आणखी नवसागर आणि दारूसाठी लागणारं साहित्य हे सर्व जप्त करण्यात आलं। याची किंमत आहे साधारणपणे 30,000 रुपये। यामध्ये पोलीसचे परिमंडळी अधिकारी उपायुक्त 4 निर्मला देवी मॅडम, आणखी निरीक्षक साहेब, तसेच विभागीय उपायुक्त एक्साईजचे वर्धे सर, आणखी अधीक्षक सोनन सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली। यामध्ये जो काळा गुळ 500 किलो जमा केला होता, जप्त केला होता, तो गुळ नाशिवंत असल्याकारणानं वरिष्ठांची परवानगी घेऊन हा M2 लायसन जे आहे अबकारी खात्याचं त्याकडं पशुखाद्य बनवण्यासाठी पाठवण्यात आलेलं आहे। यामधून शासनास महसूलही मिळेल, मुद्देमालही नाश होऊन जाईल, नाश होण्यापेक्षा त्यातून रेव्हेन्यू शासनाला मिळेल, अशा पद्धतीनं हे सगळं सोपस्कार वरिष्ठांच्या अनुमतीनं परवानगीनं करण्यात आलेली आहे। या कारवाईमध्ये पोलीस विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क या दोघांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबल्यामुळं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मोहीम राबली आणि टोली गल्लीतील जो दारू निर्माण करण्याचा साठा आहे तोच जप्त करण्यात आला। अशाच पद्धतीने भविष्यातील सर्व मोहिमा यशस्वी करण्याचं नियोजन करण्यात आले। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, INBCN न्यूज, नागपूर।